नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका TRT इन हिंदी चैनल पर। जैसा कि मित्रों, पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। अगर आप लोगों ने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से जोड़ दिया है और फिर भी मन में कोई संदेह बने हुए हैं तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और अगर अभी तक आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो भी मैं आपको इसमें दो तरीके बताऊँगा, आसान से तरीके जिससे आप अपने पैन को आधार से जोड़ पाएंगे। आयकर कानून की धारा 139AA2 के तहत हर व्यक्ति जिसके पास 1 जुलाई 2017 तक पैन है और वह आधार कार्ड प्राप्त करने के पात्र हैं तो उसे अपने पैन से आधार संख्या को लिंक कर अधिकारियों को जानकारियां देना जरूरी है। पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। जैसा कि अभी आप मेरे होम स्क्रीन पे इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्क्रॉलिंग हो रही है। CBDT फर्दर एक्सटेंड द टाइम फॉर लिंकिंग पैन विद आधार फ्रॉम 31 दिसंबर, यानी 31 मार्च तक इसका डेट बढ़ा दी गई है 31 दिसंबर तक, क्योंकि 31 दिसंबर तक ही इसका लास्ट डेट था। सरकार ने तीसरी बार यह सीमा बढ़ा दी है। जानकारी आया था कि करदाताओं ने, यानी जो कर्जदाता हैं, उन्होंने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया है, उन्हीं के कारण से यह डेट बढ़ाई गई है। तो बहुत सारे लोगों ने भी नहीं जोड़ा था तो उन लोगों के लिए भी फायदे की बात हो गई। तो आपको कैसे जोड़ना, तो सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन या अपने कंप्यूटर पे www.incometaxindiafiling.government.in वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने में पेज ओपन हो जाएंगे और यहाँ पे देखिए क्विक लिंक पे आपको दिख पा रहा होगा कि लिंक आधार और ये लाल ब्लू हो रहा है, तो इस पर आप सिंपली क्लिक कर देना है। और जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको आपके डाटा को फिल करना है। चलिए एक एक करके डाटा को फिल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और भी दिख रहा है कि क्लिक हियर टू व्यू द स्टेटस इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड लिंक आधार रिक्वेस्ट। अगर आपने आधार से पैन को जोड़ने का लिंक रिक्वेस्ट पहले डाल दिया है तो यहाँ पे आप क्लिक हियर पे क्लिक करके अपने सबमिट एप्लीकेशन के बारे में जानकारियाँ ले सकते हैं। तो चलिए मैं भी इसमें आपको जोड़ने के लिए पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल दें। तो चलिए मैं अपना पैन नंबर डाल देता हूँ। नंबर डाल देने के बाद आपके सामने आधार नंबर डालने को बताते हैं। आप नीचे में आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए। आधार नंबर डालने के बाद नेम एज पर आधार, यानी आपका आधार पर जो भी नाम होगा वो नाम आप यहां पे सिंपली टाइप कर दें। यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, यानी मेरे पास सिर्फ साल का बर्थ डेट आधार कार्ड पे है, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे में इमेज में जो लिखा हुआ है कैप्चा, तो वो कैप्चा को नीचे कार्ड में यहाँ पे फिल कर देंगे आप। तो चलिए मैं फिल कर लेता हूँ C8K। इसको भर दीजिए और यहाँ पे विजुअली चैलेंज यूजर कैन बी बेलो OTP ऑप्शन इंस्टेड इमेज कैप्चा, तो OTP भी मंगा जाता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP कर दीजिए और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। चलिए हमने डाल दिया और यहाँ पे लिंक आधार पे सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे कह रहा है कि OTP विल बी सेंड टू दिस मोबाइल नंबर, यानी अगर आप अपने इस नंबर पे OTP पाना चाहते हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। चलिए मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। आप मोबाइल OTP के लिए थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। फिर
आप पढ़ पा रहे होंगे कि योर रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड टू UIDAI फॉर वैलिडेशन ऑफ आधार, प्लीज चेक द स्टेटस लेटर बाय क्लिकिंग ऑन लिंक आधार हाइपर लिंक इन द होम पेज। यानी जहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि क्लिक हियर करके आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे सिंपली क्लिक करके आप चेक कर पाएंगे। और यह चेक करने का जो मेथड है वो कृपया आप अपने लिंक आधार से पैन को लिंक करने के कुछ घंटे के बाद चेक कर सकते हैं, या दो दिन के बाद भी आराम से इसे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपको ये बताया कि आप किस प्रकार से अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं, ये तो ऑनलाइन मेथड था। अगर यह मेथड आपको करने नहीं आ रहा है या आपको कोई परेशानी हो रही है, तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं या कोशिश भी कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है SMS के द्वारा। तो चलिए, SMS क्या भेजनी है, तो सबसे पहले आप अपने सिंपल स्मार्टफोन में SMS के लिए ओपन कर लें। तो आपको SMS दो नंबर पर भेजने हैं, एक नंबर तो है 567678, ठीक है, आप इस पर भेज सकते हैं। अन्यथा दूसरा नंबर भी है, और दूसरा नंबर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन पहले इस पर टेक्स्ट क्या भेजना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना लिखना है यहाँ पे कैपिटल में UIDPAN पेन और स्पेस देके, और अपना जो भी आपका पैन कार्ड का आधार कार्ड का नंबर है, पहले उस आधार कार्ड को यहाँ पे सिंपली लिख देंगे। ये लिखने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, UIDPAN पेन के बाद स्पेस देना, स्पेस देने के बाद अपना जो भी पैन कार्ड का संख्या यहाँ पे दिया हुआ होगा, वो पैन कार्ड की संख्या भी यहाँ पे डाल देंगे। पैन कार्ड जो भी लिखा हुआ होगा, पैन कार्ड संख्या आप लोग डालते ही होंगे, पैन कार्ड संख्या वो डाल देंगे। और डाल देने के बाद सिंपल SMS पे क्लिक कर देंगे और आपका SMS चला जाएगा। अगर आपका लिंक हो चुका होगा तो इनकम टैक्स की तरह से आपको SMS आ जाएगा कि योर पैन कार्ड लिंक विथ योर आधार कार्ड। और अगर आपका नहीं हुआ होगा तो वहाँ से आपको आपके एप्लीकेशन प्रोसेस का एक नंबर आ जाएगा कि आपने अपने पैन से आधार को जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए आवेदन कर दी है, वो जल्द ही आपका जोड़ दिया जाएगा। तो नंबर जो भेजने थे वो तो एक था 567678, और आपको एक नंबर और मैं बता देता हूँ जिस पर आप भेज सकते हैं 56161, इस पर सिंपली। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी, क्योंकि डेट बढ़ा दी गई है सरकार ने, तो मैंने सोचा आपको इस वीडियो के द्वारा अवगत करा दूँ। अगर आपने अभी तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं किया है तो कृपया करके मेरे बताए हुए सिंपल मेथड पे लिंक कर ले। और अगर कोई परेशानी होती है सिंपली आप हमसे कभी भी SMS कर सकते हैं या हमसे व्हाट्सएप।